स्वास्तिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वास्तिक एकेडमी में इस समय जो क्लासेस चल रही है संविधान की, उसमें दोस्तों मैं संविधान सभा के निर्माण की बात मैं कर चुका हूं और आगे का जो टॉपिक है वह विदेशी स्रोत है। देखिए आप लोग छात्रों, आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान दिया करिए कि जितनी भी क्लासें पढ़िए आप, कम से कम 10-5 लोग सब्सक्राइब अवश्य आप लोग करवाइए। संविधान में आप विदेशी स्रोत कौन कहाँ से क्या लिया गया है, और यह कहा जाता है कुछ विदेशी आलोचकों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, गोंद और कैंची का खेल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान एक व्यवहारिक संविधान है, ना कि मौलिक संविधान। एक भारतीय संविधान एक व्यवहारिक संविधान होता है, ना कि मौलिक संविधान। क्योंकि व्यवहारिकता के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में और सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। यह हम भारतीयों की एक सोच थी और यह बहुत दूरदर्शी सोच थी कि भारत के लोगों को, भारत की जनता को एक ऐसा संविधान हमको देना है जिससे भारतीय जनता किसी भी प्रकार से किसी समस्या में ना पड़े। इसलिए पूरे दुनिया के संविधान, लगभग 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया और उसमें जो हमको हमारे जलवायु के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी व्यवस्था के हिसाब से, हमारे समाज के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार जो बिल्कुल सटीक बैठ रहा था उसको हमने ग्रहण कर लिया। जो हमारे अनुकूल नहीं था, हमारे समाज के अनुकूल नहीं था, हमारी जनता के अनुरूप नहीं था, उसको हमने छोड़ दिया। इसलिए भारतीयों ने यह प्लान बनाया कि यहाँ की जनता को एक ऐसा संविधान दिया जाए जिससे किसी भी प्रकार से कहीं से कोई समस्या ना आए। हमने इसलिए पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन किया। भारतीयों की पूरे दुनिया के जो विदेशी थे उन्होंने भारतीयों की यह कहकर आलोचना किया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, गोंद और कैंची का खेल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह हमारी दूरदर्शी सोच थी, हमारी चालाकी थी, हमारे समाज में जो विसंगति आने वाली थी उसको हमने दूर करने का काम किया और भारतीय जनता को एक ऐसा संविधान दिया गया। यहाँ के लोगों की जो दूरदर्शी सोच थी वह यह थी कि किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए, उस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ की जनता की जो व्यवस्था थी उसको हमेशा ध्यान में दिया गया और यहाँ के लोगों की समस्या का निदान करने के लिए हमने एक ऐसा संविधान बनाया जिससे यहाँ की सारी समस्याओं का खात्मा किया जा सके। इसलिए पूरे दुनिया में 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया, जो बिल्कुल हमारी व्यवस्था के अनुरूप था उसको हमने ग्रहण कर लिया, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं था उसको हमने छोड़ दिया। और इस प्रकार से ऐसा भारत के लोगों ने, यहाँ के सदस्यों ने ऐसा करके एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे बहुत अच्छा लोकतंत्र का निर्माण किया जा सका। यहाँ पर हमने क्या चीज़ कहाँ से ग्रहण किया है, अब यहाँ पर क्या विदेशी स्रोत है, क्या क्या हमने विदेशों से ग्रहण किया हुआ है, तो सबसे पहली अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमने ग्रहण किया है। सबसे पहली बात, अमेरिका के संविधान से यहाँ पर जो ग्रहण किया गया है वह मूल अधिकार, क्या ग्रहण किया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने
प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो यह मुख्य मुख्य चीजें क्या हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है, यह आपका अमेरिका से क्या हमने ग्रहण किया हुआ है, उसके बाद फिर ब्रिटेन से क्या हमने ग्रहण किया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से क्या हमने ग्रहण किया हुआ है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या हमने ग्रहण किया हुआ है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, स्पीकर का पद, स्पीकर का पद, स्पीकर का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। अब यहां पर आप लोग एक बार ये देख लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली, अगर संसदीय शब्द आए तो तुरंत आप जान लीजिए कि वह ब्रिटेन के संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, और उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, स्पीकर का पद, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति का पद। यह कहा जाता है भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर, यहाँ पर देखिए अंतर क्या होता है, राष्ट्रपति के पद में भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह यहाँ पर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है वह अनुवांशिक नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में जो सम्राट का पद होता है वह अनुवांशिक होता है, इसलिए कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद और ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह अनुवांशिक ना होकर जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, लेकिन जो ब्रिटेन में सम्राट का पद है वह वहाँ की जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि वहाँ पर यह अनुवांशिक होता है। अगर कोई सम्राट होता है तो उसका बेटा सम्राट, फिर उसका बेटा सम्राट, फिर उसका बेटा सम्राट, तो इस प्रकार से वहाँ पर सम्राट का पद होता है। लेकिन यह समकक्ष होते हुए दोनों में यही अंतर होता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन से क्या क्या हमने ग्रहण किया है, क्या क्या हमने अमेरिका से ग्रहण किया हुआ है। अब यहाँ पर आप आगे फिर देख लीजिए, आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से क्या क्या ग्रहण किया है, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से यहां पर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी ग्रहण की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखिए राज्यसभा और विधान परिषद, विधान परिषद के विशिष्ट सदस्यों का मनोनयन, विशिष्ट सदस्यों का मनोनयन, यानी कि अब यहां पर आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा और विधान परिषद के विशिष्ट सदस्यों का मनोनयन, ठीक है।
अब यहाँ पर हर राज्य में विधान परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन भारत में, पूरे भारत में जो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है, वह पूरे भारत में राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? यह 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बाकी 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों से होकर आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आयरलैंड से हो गया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ये संविधान से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। अब यहां पर प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। यहीं पर अगर प्रस्तावना आपसे पूछा जाए, केवल प्रस्तावना, तो कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इस बात को आप ध्यान देते रहिए कि प्रस्तावना शब्द अगर पूछ लिया जाए कहां से लिया गया है, तो उसको आप अमेरिका से बताएंगे, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछ लिया जाए तो वह कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस बात को हमेशा आप लोग, अंतर थोड़ा सा ही है लेकिन यहां पर आप इसको हमेशा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब यहां पर जर्मनी के संविधान से, जर्मनी, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपात उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, आपात उपबंध, आपात उपबंध, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध लिया गया है। ये कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आप रूस के संविधान से, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से यहां पर मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात आए तो वह ब्रिटेन से लिया गया। आप जानते रहिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात आए तो कहां से लिया गया है? वह ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात आए तो वह जापान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापान से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर अब क्या क्या यहां पर सबसे महत्वपूर्ण, क्या यहां पर विदेशी स्रोत था, क्या हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है, तो इस प्रकार से यहां पर जो मेन मेन चीजें थी, हमने कहां से क्या क्या लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते रहिए, इसको आप पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और आगे के टॉपिक पर हम चर्चा करते रहेंगे, और इसको आप कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर विदेशी स्रोत से हमेशा एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप हमेशा जो है अपना पढ़िए, और कापी और कलम लेकर पढ़िए, जिससे आपको जो बात समझ में ना आए उसको कम से कम आप कापी में नोट जरूर करते रहिए, ठीक है। इधर आपकी क्लासें कम से कम जो है यूट्यूब चैनल पर आपकी चलती रहेंगी, बाकी और क्लासें आपकी अभी बंद हैं। आप इसमें कम से कम आप एक दो दिन में क्लासें आपकी चलती रहेंगे, एक दो टॉपिक आपका ऐसे चलता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।